चलिए दोस्तों बात करते भारत और न्यूजीलैंड के तीसरे टी20 के बारे में। न्यूजीलैंड के कप्तान टीम साउदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की पारी 19.4 ओवर में 160 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। तभी वारिस ने अपना रंग जमाया। DLS पार स्कोर के तहत भारत ने जरूरी 75 रन बना लिए थे। ऐसे में अंपायरों ने मैच को खत्म करने का फैसला लिया और मैच को टाई घोषित कर दिया। अगर भारत के बल्लेबाजी की बात करें तो सूर्य कुमार का बल्ला भी आज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। वह 10 गेंदों में 13 रन बना सके। सूर्य अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का लगा सके। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 64 रन था। उसके बाद हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा क्रीज पर थे, तभी बारिश ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। ऐसे में कोई उपाय ना मिलते हुए अंपायरों ने मैच को टाई करने का अच्छा समझा। सोचते हैं दोस्तों ये जानकर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।